खाने के अलावा या मेडिसिन के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, या वैसे भी नॉर्मली जो बचना चाहते हैं ब्लड प्रेशर से? जी, इसमें ये होता है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं ना, उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप स्ट्रेस कम लें, गुस्सा कम करें. और क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो जो हमारे फाइट एंड फ्लाइट के जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, वो सिंपथेटिक नर्वस के थ्रू रिलीज़ होते हैं, और उसकी वजह से एक रीनल हार्मोन भी हमारा रिलीज़ होता है जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने का बायस बनता है. तो अगर हम अपने स्ट्रेस पे, टेंशन पे या परेशानी पे या ऐसे फैक्टर्स जो हमें परेशान करते हैं, आप उनसे दूर रहें और गुस्सा कम करें. और रोज़े में तो वैसे भी गुस्सा हराम है, तो उससे भी अगर हम रोजे में बच जाए तो गुस्सा आता बहुत है रमजान में. ये होता है जब आपने रोजा रखा होता है, भूख प्यास की वजह से ना इंसान को वैसे ही वो कह रहे गुस्सा आ रहा होता है, कुछ खाया पिया नहीं होता. तो ऐसे तो हम पानी पी लेते हैं, नॉर्मल गुस्सा आया हो तो कंट्रोल हो जाता है. और वैसे भी हमारी सुन्नत है कि अगर आपको गुस्सा आया है, खड़े हैं तो बैठ जाएं. तो इस तरह से हमें करना चाहिए, तो वहाँ उस जगह से चले जाना चाहिए. लेकिन सब हमें समझ नहीं आ, गुस्से में कहते हैं कि इंसान अपना खुद का दुश्मन होता है, और समझ नहीं आ रही होती क्या करना चाहिए. अगर हम खवातीन की बात करें तो खवातीन जैसे कि बच्चों के साथ घर में जो है ना, जाहिर कभी बच्चों को छुट्टियाँ हो रही हैं क्योंकि पेपर हो रहे हैं, तो उस तरह से रेगुलर स्कूल नहीं जा रहे, तो वो बहुत ज्यादा बोलती हैं. तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि वो अपने गुस्से कम कंट्रोल करें, ताकि उनका बीपी जो है ना, ब्लड प्रेशर भी मेरा हाल है कि मर्दों जैसा ही होता है, कुछ अलग तो नहीं होता क्या? खवातीन बस ऐसे है कि वो ज्यादा हसास होती हैं, वो परेशान जल्दी हो जाती, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी जल्दी रेज हो जाता है. और बच्चों की टेंशनें ज्यादा तो होती ही माओं को हैं, तो इसकी वजह से वो उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का बायस होती है.